हाय गाइस, काफी टाइम से आप लोग पूछ रहे थे कि मैम जो चाइना का रॉकेट है वो कब गिरने वाला है, कहाँ गिरने वाला है। तो आपको बता दें, नासा की रिपोर्ट के हिसाब से ये बता दिया गया है कि चाइना का रॉकेट जिसका नाम है लॉन्ग मार्च रॉकेट, और ये जो रॉकेट है इसको बाहुबली रॉकेट का नाम भी दिया जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा हैवी है, और हैवी है इसीलिए तो यहाँ पर ये क्या कर रहा था, मॉड्यूल्स को लेके जा रहा था ताकि चाइना का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रिएट करने का जो सपना है उसको पूरा किया जा सके। तो जब ये काफी सारा सामान लेके जा सकता है तो दैट मीन्स ये हैवी वेटेड होगा, तो ये बहुत ज्यादा वेटेड है। तो अब नासा ने यहाँ पे ये बोला है कि ये जो क्राफ्ट गया था, ये जो गई थी फ्लाइट जो गई थी चाइना की, ये अर्थ पर आएगी 8 मई को, यानी कि कल के दिन पे ये वापस आने वाली है। कहाँ गिरेगा इसके बारे में उनको भी कोई अंदाजा नहीं है, बट हाँ उन्होंने ये बताया है कि जब कोई भी चीज हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर लेती है, आपने पढ़ा भी होगा जब आपने लेयर्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर में, तो कोई भी चीज अगर हमारी अर्थ के अंदर एंट्री लेती है तो वो बर्न्ड हो जाती है, जल जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि जब वो अर्थ पे आके गिरेगा तो वो कैसा होगा, एशेस के फॉर्म में होगा, यानी कि छोटे छोटे आप कह सकते हैं टुकड़े के फॉर्म में, लेकिन वो जला हुआ हिस्सा होगा। अब आप कहेंगे कि मैम आके गिरेगा तो डिजास्टर हो सकता है, डैमेज हो सकता है। जी हाँ, डैमेज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज जलते हुए आके सीधे अर्थ पे गिरेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बर्न कंडीशन में होगा। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि कहाँ जाके गिरेगा। वैसे मुझे पता है आपका आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी ये कहाँ पे जाके गिर सकता है कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा।